नमस्कार, न्यूज वर्ल्ड इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सुमन पाल। उत्तराखंड परिवहन महासंघ ने माजरी ग्रांड में पीपीपी मोड पर ही बनाई गई वाहनों की टेस्ट लेन का विरोध किया है। महासंघ ने ये टेस्ट एआरटीओ कार्यालय में कराए जाने की मांग की है और इसी के साथ महासंघ ने डीजल से चलित टेम्पो को अगले साल ऑफ रूट करने का भी नाराजगी जता दी है। महासंघ ने चेतावनी दी है, यदि परिवहन कारोबारियों के हितों पर सरकार जबरदस्ती करेगी तो इसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सरकार के खिलाफ परिवहन व्यवसायी उग्र आंदोलन करने के लिए मजबूर होंगे। देखिए, प्रदूषण की समस्या देश में है, वो उसमें हम सरकार का शासन का सहयोग करने को तैयार हैं, लेकिन अभी विक्रम वाहनों का विकल्प नहीं आया है। अगर आप एकदम से सबको समूल नष्ट कर देंगे तो यात्रियों का क्या होगा, श्रद्धालु तीर्थयात्री आते उनका क्या होगा। तो हमने उनसे कहा कि हम तैयार हैं, आप सीएनजी पंप लगाइए, उसका विकल्प तैयार कीजिए और इसको चरणबद्ध तरीके से करिए, एकदम से फांसी ना दीजिए। आप धीरे धीरे करिए, हमारा पूर्ण सहयोग है। पहले आप 15 वर्ष का करिए, फिर 14 का करिए, फिर 13 का करिए, इस तरह से हम पूर्ण सहयोग करेंगे। क्योंकि यदि सरकार और शासन इस बात को नहीं माना तो हमारा विरोध रहेगा। और दूसरा, ये जो उन्होंने टेस्टिंग पॉइंट लाल तप्पड़ किया ऋषिकेश क्षेत्र का, कम से कम 10,000 गाड़ी ऋषिकेश क्षेत्र की है। आज के हमारे उत्तराखंड परिवहन महासंघ की जो है बड़ी बैठक आज रखी गई है, उसमें दो मुख्य रूप से हमारे एजेंडे थे। एक तो सरकार द्वारा अभी टेस्टिंग लेन का बनाई गई है लाल तप्पड़ पे, माजरी ग्रांड लाल तप्पड़ में जो है, या तकरीबन यहाँ से 20 से 25 किलोमीटर दूरी पर स्थित है हमारे ऋषिकेश आरटीओ ऑफिस से। तो उसमें यह है कि जितने भी वाहन हैं छोटी से लेकर बड़ी तक, वो सब वहाँ जाके फिटनेस कराएंगे, उसके उपरांत ही उसको फिटनेस सर्टिफिकेट चलने के लिए मिलेगा। तो एक तो ये मुद्दा था हमारा। और एक हमारे जो ऑटो विक्रम वाली विक्रम है, उनको ग्रीन ऋषिकेश और देहरादून के ऑटो को ग्रीन नो पोल्यूशन क्षेत्र बनाने के लिए इनके जो है परमिट निरस्त करके सीएनजी वालों के जारी करने के संबंध में थी। देवउठानी एकादशी पर मथुरा वृंदावन में आस्था की भीड़ उमड़ पड़ी है। लाखों की तादाद में ही श्रद्धालु मथुरा वृंदावन में परिक्रमा लगाने पहुंचे, जिसको लेकर एसएसपी अभिषेक यादव ने यमुना किनारे घाटों का जायजा लिया। एसएसपी ने नाव में बैठकर घाटों का जायजा लिया है। गोरखपुर जिले में ही पहले गैंगस्टर डॉक्टर परिवार की लगभग 100 की संपत्ति सदर तहसीलदार और एसपी सिटी कृष्ण कुमार विश्नोई की मौजूदगी में कुर्क की गई, जिसमें कोतवाली थाना क्षेत्र के दुर्गाबाड़ी में मौजूद राज नर्सिंग होम और पिपराइच थाना क्षेत्र के राज नर्सिंग एंड पैरामेडिकल कॉलेज और गोरखनाथ थाना क्षेत्र के हड़हवा फटक में मौजूद मकान पर ही मुनादी कराकर सूचना चस्पा करने के बाद सील किया गया। और इस दौरान भारी संख्या में पुलिस बल मौजूद रही। तिवारीपुर थाना पुलिस की रिपोर्ट पर जिलाधिकारी कृष्ण कुरुणेश ने आरोपितों को चिन्हित हुई भूमि, भवन, नर्सिंग कॉलेज और 8 वाहनों को कुर्क करने का आदेश दिया है। अलग अलग बैंकों में मौजूद आरोपितों के 15 से अधिक बैंक खातों के संचालन पर भी जिलाधिकारी ने रोक लगा दी है। बगैर मान्यता के नर्सिंग कॉलेज में छात्रों का प्रवेश लेकर जालसाजी करने का आरोपित डॉक्टर अभिषेक, उसकी पत्नी समेत 5 आरोपित इस समय जेल में हैं। और पिपराइच में तुर्का बाजार में मौजूद राज नर्सिंग एंड पैरामेडिकल कॉलेज के संचालक डॉक्टर अभिषेक यादव के कुटचरित दस्तावेज पर ही शासन से मान्यता मिलने की जानकारी देकर नर्सिंग कॉलेज में छात्र छात्राओं का प्रवेश ले लिया था। शिकायत पर शासन के संयुक्त सचिव अनिल कुमार सिंह ने ही 8 जनवरी 2022 को कोतवाली थाने में राज नर्सिंग कॉलेज संचालन पर कुटचरित दस्तावेज तैयार कर ही जालसाजी करने का मुकदमा दर्ज कराया था। और जालसाजी की जानकारी होने पर ठगी के शिकार छात्रों के स्वजन ने भी तहरीर दी थी। गोरखपुर में अपराध एवं अपराधियों पर अंकुश लगाने के अनुक्रम में आज जिला मजिस्ट्रेट महोदय गोरखपुर के निर्देशानुसार एक मेडिकल माफिया डॉक्टर अभिषेक यादव, जो राज नर्सिंग एवं पैरामेडिकल कॉलेज चलाता था, उसकी 14-1
गैंगस्टर अधिनियम के तहत करीबन 6 प्रॉपर्टी अटैच की गई हैं और कुछ प्रॉपर्टी अभी भी अटैच की जा रही हैं, प्रोसेस में हैं। उसके बैंक अकाउंट, उसके व्हीकल्स और ये सभी प्रॉपर्टीज़ आज अटैच की गई हैं और ये प्रक्रिया जारी रहेगी। इस व्यक्ति के खिलाफ टोटल 19 मुकदमे दर्ज हैं, उसमें कुछ थाना कैंट, थाना पिपराइच एवं लखनऊ में भी इसके खिलाफ कई मुकदमे दर्ज हैं। ये व्यक्ति अपनी सैंक्शनड स्ट्रेंथ से ज़्यादा लोगों को एडमिशन देकर उनको फर्जी मार्कशीट, फर्जी एडमिशन एवं उसके बाद में शासन स्तर से भी फर्जी परमिशन लेकर मेडिकल कॉलेज चलाने एवं उससे कूटरचित कागजों से जो उन्होंने धन अर्जित किया है उससे संबंधित जो जो प्रॉपर्टीज़ है आज उसको अटैच किया गया है एवं आने वाले कुछ दिनों में इसकी क्लोजर की कार्रवाई कर आपको डिटेल में सुनिश्चित। ये अभिषेक यादव जी के खिलाफ जिलाधिकारी महोदय द्वारा गैंगस्टर एक्ट की धारा 14(1) में पारित आदेश के क्रम में आज इनके द्वारा अवैध तरीके से जो है संपत्ति के द्वारा जो संपत्ति निर्माण किया गया अवैध धन के द्वारा उसी को कुर्क किया जा रहा है। इनकी संपत्तियां कई जगहों पे हैं, जैसे इनकी परमेश्वरपुर में प्रॉपर्टी है, जटेपुर उत्तरी में प्रॉपर्टी है और जंगल नकहा नंबर 2 में इनकी अवैध तरीके से अर्जित प्रॉपर्टी है। अतिरिक्त हिमायूपुर में इनकी प्रॉपर्टी है। फतेहपुर जिले के ही चांदपुर थाना क्षेत्र के द्वारिकापुर गांव में ही दबंगों के दिन दहाड़े दबंगई दिखाई है, जहां दबंगों ने युवक के ऊपर जानलेवा हमला कर दिया जिससे युवक गंभीर रूप से घायल हो गया है। साथ ही दबंगों ने पीड़ित युवक के घर के बाहर खड़ी बाइक में भी आग लगा दी, जिसके बाद पीड़ित ने थाने में पहुंचकर न्याय की गुहार लगाई है। वहीं उल्टा पुलिस ने शिकायतकर्ता पीड़ित के खिलाफ ही कार्रवाई कर SDM कोर्ट भेज दिया है। हम अपने घर जा रहे थे और ये गौरी शंकर अवस्थी, उनके लड़के गंगा अवस्थी और उनके दूसरा लड़का देवेश अवस्थी, इन्होंने हमको मारा। और दुश्मनी ये थी कि भाई साहब हमारे पहले गौरी शंकर अवस्थी के ऊपर एक मुकदमा लगा चुके थे, ये दुश्मनी मानते थे, तो इन्होंने हमें फरसा और लाठी और गुम्मा से हमका मारे। और जब हम अपने घर भग गए तो रात में आके इन्होंने हमारी गाड़ी में आग लगा दी पेट्रोल डाल के। तो और हम चौकी गए तो चौकी इंचार्ज हम ही को भेज देने ने बिंद की चालान कर दिया हमारा उन्होंने। खबर श्रावस्ती से है। श्रावस्ती में संयुक्त जिला चिकित्सालय में जरूरतमंद दवाओं का अभाव है और अभाव के ही कारण कमीशन खोरी पर भी डॉक्टर बाहर की महंगी दवाई मरीजों को लिख रहे हैं। अस्पताल में तैनात डॉक्टर प्रियदर्शी ने जिला अस्पताल में ना मिलने वाली दर्जन भर दवाओं के नाम गिनाए। डॉक्टर का आरोप है कि अस्पताल में दवाई नहीं है और इसलिए बाहरी दवा लिखना पड़ रहा है, जिसका खामियाजा मरीज को भुगतना पड़ रहा है। मरीजों को मजबूरन बाहर से दवाइयाँ लेनी पड़ रही हैं। बाहर से लिखना सरकार ने एक तरफ मना भी किया है, सरकार ने सुनिए, सरकार में बहुत कुछ सरकार बोलती है जी, लेकिन जो मरीज खुद से कहते हैं कि मेरे को दवाई चाहिए और जो दवाई उपलब्ध नहीं होती है, यहाँ पर सब दवाई उपलब्ध नहीं है, यहाँ सांस की दवाई उपलब्ध नहीं है, यहाँ पे यहाँ पर कोई स्टेरॉइड उपलब्ध नहीं है, यहाँ पर डरीफाइलिन उपलब्ध नहीं है, डॉक्सीफाइलिन उपलब्ध नहीं है, डेफ्लाजाकोड उपलब्ध नहीं है, यहाँ रोटाकैप उपलब्ध नहीं है, यहाँ MDI उपलब्ध नहीं है। अब बताइए तो गैस की दवाई उपलब्ध नहीं है। अच्छा, गैस की भी नहीं है। तो नहीं, यानी जिला अस्पताल में ज्यादातर दवाएं हैं ही नहीं है भैया, जब नहीं है तो हम उसके लिए हम थोड़ी क्या कराएंगे, तो यानी बाहर से लिखी जाएंगी। नहीं, बाहर से नहीं लिखी जाएंगी, कुछ नहीं लिखा जाएगा, जो मरीज कहेगा हमको दवा नहीं चाहिए उसको नहीं लिखा जाएगा। गोंडा में किशनगंज से BJP सांसद बृजभूषण शरण सिंह ने ही जिले में तरबंजन तहसील बाढ़ क्षेत्र का दौरा किया है। BJP सांसद बृजभूषण सिंह ने ही मीडिया से बात करते हुए उन्होंने केजरीवाल पर जमकर भड़ास निकाली है। उन्होंने कहा है कि अरविंद केजरीवाल ने कोरोना काल में वसूली की थी और साथ ही आप कार्यकर्ताओं से केजरीवाल ने लूट कराई है। और इसके साथ ही बता दें आपको कि उन्होंने कहा कि दिल्ली में ही केजरीवाल गिरोह चलाते हैं, वहीं सांसद ने कहा
कि अगर गुजरात में केजरीवाल की सरकार बनी तो राजनीति छोड़ दूंगा, और साथ ही ओबीसी पर सांसद ने निशाना साधा है और सांसद ने कहा कि ओबीसी मेरे मित्र हैं और ओबीसी के बाबा के पिता चितवन गोत्र के ब्राह्मण थे और ओबीसी के परबाबा का नाम तुलसी राम दास था, वो नाथूराम गोडसे के गोत्र से थे, ओवैसी गोडसे के खानदान के हैं और मैसूर के राजा टीपू सुल्तान के घर से धर्म परिवर्तन किया था। अरविंद केजरीवाल, अरे महाचोर आदमी है, कहाँ से खानदान है, महाचोर है यार, वो खुद महाचोर है। ये मैं आप लोग 20 उदाहरण मत जाइए, ये कोरोना पर जो 5,000 रुपए का जुर्माना कराया था कौन वसूल रहा था भैया? ये कार्यकर्ता कैसे कोरोना को जुर्माना वसूल सकते हैं? लुटवा लिया बाहर के आदमियों में, दिल्ली में जो घुसते थे लुटवा लिया उसने अपने आदमी लगा कर। किसने? केजरीवाल ने। सर तो कहते हैं नोट पर। केजरीवाल ने जरा गंभीरता पूर्वक आइए, मैं कहता हूँ पुलिस चालान करे या जो सरकारी एजेंसी चालान कर रहे, केजरीवाल ने कैसे व्यवस्था की उनके कार्यकर्ता चालान करे? देखे वो चोर आदमी का नाम मुझसे मत लीजिए, वो भी अयोध्या तीर्थ के अंदर बैठ करके गुजरात लग जाएगा, गुजरात में ईमानदारी। देखिए वो बहुत बड़ा नटवर लाल है और जैसे कहते हैं डकैतों का गिरोह, तो गिरोह नहीं तो और क्या है, जब दिल्ली के बाहर की गाड़ी आती है और सात सात आठ आठ लड़के कूद पड़ते हैं और 5,000-10,000 वसूलते हैं, वो क्या है, गिरोह नहीं है? भारत के संविधान में उनको कहां से अधिकार करना करेगा, लेकिन दिल्ली में सरकार है। आजम खां के बाद अब उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर की खतौली विधानसभा सीट से बीजेपी के विधायक विक्रम सैनी की भी विधानसभा सदस्यता रद्द होने की बात सामने आ रही है, जिसको लेकर बीजेपी विधायक विक्रम सैनी ने कहा कि वैसे तो उन्हें फोन पर जानकारी मिल रही है, अगर ऐसा है तो फिर वो कानून का सम्मान करते हैं और क्योंकि कानून सबके लिए एक है तो वो इस फैसले को सर झुकाकर स्वीकार करते हैं। दरअसल आपको बता दें कि दंगे से पहले 27 अगस्त 2013 को मुजफ्फरनगर के कवाल गांव में ही गौरव और सचिन की हत्या के बाद पुलिस ने खतौली विधानसभा सीट से बीजेपी विधायक विक्रम सैनी सहित 28 लोगों पर मुकदमा दर्ज किया था और जानकारी के मुताबिक विधायक विक्रम सैनी सहित इन सभी 28 में से 12 लोगों को 11 अक्टूबर के दिन मुजफ्फरनगर में मौजूद एसपी एमएलए कोर्ट ने ही 2-2 साल की सजा सुनाते हुए 10-10,000 रुपए की आर्थिक दंड भी लगाया था, जबकि 15 लोग इस मामले में जहां सबूतों के अभाव में ही बरी हो गए थे तो वहीं एक की मौत हो गई थी। कानून से बड़ा कोई, कानून के अंतर्गत यदि ऐसा होगा कि 2 साल या उससे अधिक सजा पाए जनप्रतिनिधि की सदस्य जा सकती है तो मुझे स्वीकार। कोई कोई कानून है, कानून सबके लिए बराबर, चाहे वो आजम खान हो चाहे विक्रम सैनी, ऐसा होता है तो मैं सर झुकाकर इसको स्वीकार करता हूँ। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में ही संपन्न हुई राष्ट्रीय एथलेटिक प्रतियोगिता में कांस्य पदक जीतने वाले सहारनपुर के ही होनहार खिलाड़ी फरमान अली को सहारनपुर के डीएम अभिषेक सिंह ने सम्मानित किया है। आपको बता दें कि राष्ट्रीय एथलेटिक प्रतियोगिता में कांस्य पदक जीतकर सहारनपुर का नाम रोशन करने वाले फरमान अली को सहारनपुर के डीएम अखिलेश सिंह ने ही सम्मानित करते हुए उसके उज्जवल भविष्य की कामना भी की है। फरमान अली ने ही ADMF रजनीश मिश्रा और बालाजी ट्रेनिंग कंपनी के ही मैनेजिंग डायरेक्टर उत्तर प्रदेश भूपेंद्र बिष्ट का भी आभार व्यक्त किया है। फरमान अली ने कहा कि वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर गोल्ड मेडल जीतकर ही देश का नाम रोशन करना चाहते हैं। देखिए, जनपद सहारनपुर के लिए गौरव का की जो है बात है कि जनपद के फरमान जी ने अभी ये जो रायपुर छत्तीसगढ़ में जो है वॉकिंग का कंपटीशन था अंडर 23, उसमें आपने कांस्य पदक जीता है और पूर्व में भी ये जो है राष्ट्रीय स्तर पर जो है बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है। इनके अच्छे प्रदर्शन को आज जो है रिकग्नाइज़ करते हुए हुए जनपद में यहाँ जो हम लोग की क्रशर यूनियन है, क्रशर यूनियन ने 25,000 का पुरस्कार जो है दिया है और उनको जनपद स्तर पर सम्मानित किया गया है। मैं चाहूँगा कि जनपद में और भी जो लोग हैं, संभ्रांत नागरिकगण हैं, संगठन हैं, वो इसी प्रकार
जो भी बच्चे जो है खेल कूद में जो है बेहतर कर रहे हैं उनको प्रोत्साहित करें और उनको आर्थिक रूप से भी उनकी मदद करें ताकि ये लोग जो है आगे चलकर देश और देश का नाम गौरवान्वित करें। एक ही छत के नीचे अलग अलग धर्मों के दो युगल अपने अपने रीति रिवाजों के साथ पुराने बंधक में बंध गए और मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के अंतर्गत नगर निगम के जनमंच में दो जोड़ों का सामूहिक विवाह जो था वो संपन्न कराया गया। वर्धमान कॉलोनी निवासी कु अनामिका का मनीष वर्मा के साथ पंकज पंडित ने ही अग्नि को साक्षी रखकर वेद मंत्रोच्चार के साथ ही सात फेरे कराकर विवाह संपन्न कराया, जबकि पुल बंजारन निवासी वजीहा का विकास नगर निवासी वाजिद के साथ पवित्र याताओं के बीच ही निकाह संपन्न कराया। निगम के अधिकारियों और समाज के गणमान्य लोगों ने शासन के निर्धारित धनराशि का चेक और उपहार प्रदेश सरकार की ओर से दोनों युगलों को प्रदान किया। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, आप देखते रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया।